मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग उन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको अगर ध्यान में होगा, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। बस इस दो चैप्टर से आपका 20 प्लस मार्क्स आता, तो आज के क्लास को ध्यान से कंप्लीट करना है आपको। हाँ जी, मतलब आज जो ये दो चैप्टर आप जो आगे पढ़ोगे, इसको पढ़ने से पहले आपका बेसिक कहाँ तक मजबूत है, आज हम इसका टेस्ट करेंगे आपका। ठीक है जी, तो आप तैयार हो ना? हाँ, और एक बात, अभी तक मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन दिया, हर एक वीडियो में मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सारे के सारे सही बनाए हैं। आज आपको सारा का सारा सही भी बनाना है नवीन जी। ठीक है जी, चलो अब हम लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने आयत के बारे में पढ़ा है? हाँ भैया, हम लोग आयत के बारे में पढ़ रही है। तो आयत होता क्या है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब आपस में बराबर हो, जैसे ये लंबाई जिसको हम लोग लेंथ कहते। लंबाई का इंग्लिश क्या होता भैया? लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ। हाँ जी, और चौड़ाई का इंग्लिश क्या होता भैया? चौड़ाई का इंग्लिश होता है ब्रेथ। ठीक है भैया, ये तो हम जानते हैं। लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एल से दिखाते और चौड़ाई को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बी से दिखाते। तो ये लंबाई है एल से दिखाएं, ये भी लंबाई है एल हो गया, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल निकालने की तरफ जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भी पता है कि आयत का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता? तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबको पता है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा एल गुना बी। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सपोज क्या, मैं आपके सामने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना ही देना है। जैसे ये देखो, ये हमारा प्यारा सा आयत है, ला 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 ला, ये आयत है जी, आयत है जी, जिसकी लंबाई दे दिया गया है 15 मीटर और चौड़ाई दे दिया गया है अपना 7 मीटर। अच्छा, अब इस आयताकार, ये हमारा फील्ड है जिसमें हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, चारों बगल से जो है ना एक रास्ता छोड़ा गया है जिसमें हम लोग चलेंगे और इसके बीच में हम लोग क्रीड़ा करेंगे, मतलब खेलेंगे, प्ले करेंगे। अब क्या खेलेंगे? क्रिकेट और जितना फुटबॉल सब बहुत सारा गेम होता, हाँ जी, वो सारे खेल को हम लोग यहाँ पर खेलें। ये हमारा सड़क है, तो इसको अच्छे से देखो, सड़क पे जा रहा था, आम पूरी खा रहा था, और क्या कर रहा था, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, हाँ जी, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर, मान लो 2 मीटर चौड़ा मैंने सड़क बनाया, 2 मीटर हर तरफ, 2 मीटर चौड़ा सड़क। हाँ भैया, हर तरफ क्या है, 2 मीटर चौड़ा सड़क है। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हो? आपको जो अंदर में है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है जी। निकल जाएगा? हाँ, निकलना चाहिए आपसे। ये हमारा मैदान है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे भैया? हम निकाल लेंगे रास्ता छोड़ करके, रास्ता समझना आपको निकालना क्या है, रास्ता छोड़ के क्षेत्रफल निकालना है मैदान का, क्या होगा क्षेत्रफल यह आपको बताना है। तो आप भले बालिकी ढंग से बताओगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ क्या है भैया? हमको क्या दिया हुआ है, पहले उसको तो लिख ले, गिव मी डैट, हमको दिया हुआ क्या है? हाँ जी, हमको दिया हुआ है एक जो मैदान है, ए बी हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा ए है, बी है, सी है और डी है। हाँ भैया, और अंदर में जो मैदान है पी है,
क्यू आर एस, हमको पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप जानते हो तो इसको पहले बनाओ, फिर आगे सॉल्यूशन देखना है आपको। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ना, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, तो हम ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पता है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग ये लंबाई ज्ञात करेंगे और ये चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अगर हमको पी क्यू आर एस का लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा तो हम लोग बड़े आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, हमको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है भैया, हमको जो है, अरे उग जा, हमको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर और हमको बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर। हाँ जी, ये तो पता है हमको। और रास्ता जो है, रास्ता कितना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये सबको पता है। चलो अब हमको निकालना क्या है, हमको पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान, मैदान पी क्यू आर एस को देखो, तो ध्यान से हम लोग मैदान को देखेंगे। पी क्यू आर एस में हम किसी तरह पी क्यू निकाल लें और क्यू आर निकाल लें तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी, पी क्यू और क्यू आर किसी तरह निकाल लोगे तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब पी क्यू को देखो, मतलब पूरे 15 में अगर इसको हटा दें और इसको हटा दें तो मेरा पी क्यू निकल जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पूरे ए बी में, समझना, इस पूरे ए बी में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ए बी में अगर इसको घटा दें और इसको घटा दें तो मेरा पी क्यू निकल जाएगा। हाँ भैया, मतलब ए बी में, ध्यान से, ए बी में अगर हम लोग इधर का रास्ता और इधर का रास्ता घटा दें, कौन सा, इधर 2 मीटर रास्ता, इधर 2 मीटर रास्ता, दोनों को जोड़ के घटा दें तो हमारा पी क्यू निकल जाएगा। चलो ये बातें समझ में आई, ठीक है। अब क्यू आर कैसे निकालेंगे, क्यू आर निकालने के लिए हम लोग बी सी में अगर इधर का रास्ता और इधर का रास्ता घटा दे तो क्यू आर निकल जाएगा। हाँ जी, तो पूरा का पूरा बी सी में अगर हम लोग इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर घटा दें तो हमारा क्यू आर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी दिया हुआ 15 मीटर, तो 15 मीटर में हमको 2, 2, 4 मीटर घटाना, तो 11 मीटर मेरा पी क्यू का वैल्यू निकल गया। हाँ जी, अगेन बी सी क्या दिया हुआ, बी सी दिया हुआ है 7 मीटर, 7 मीटर में अगर हम लोग 2 + 2, 4 मीटर घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, 4 × 3 = 7, 3 मीटर। भैया अब छोड़ दीजिए, अब बच्चा वाला काम, बस यही 11 मीटर और 3 मीटर निकालने के लिए हम लोग परेशान हो रहे थे। तो क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, मैदान पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, मैदान पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा भैया, निकल जाएगा हम लोग का लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब पी क्यू लंबाई है या फिर एस आर बोलो, दोनों तो बराबर ही है क्योंकि आयताकार मैदान है, गुना क्यू आर या फिर पी एस बोलो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं करता, पी क्यू गुना क्यू आर जो हम लोग लेके चले उसी को लेंगे। हाँ जी, यू पी क्यू का वैल्यू 11 मीटर और क्यू आर का वैल्यू 3 मीटर, तो 11 × 3 = 33 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। देखो अब जो है, अब थोड़ा ना थोड़ा आपको कुछ डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी, घबराना नहीं है। ये हम लोग आयत के बारे में देखें, किस तरह हम लोग आयत में क्षेत्रफल को निकालते हैं, ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, जो कि आगे आपको सॉल्व करने में आ सकता क्लास 10th में भी, इसलिए मैं अभी डिवीजन करवा रहा हूँ। और आज जो मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, याद रखना नवीन जी, नहीं बनाना तो उल्टा टांग टांग के पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन बहुत बुरा करूँगा आपके साथ। हाँ जी, चलिए जी, यहाँ देखिए, अब हम लोग आयत हो गया, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग अपने वर्ग के तरफ चलेंगे। वर्ग का क्या सिद्धांत होता, जैसे आयत में हम लोग देखे थे आमने सामने बोबर होता, मतलब बराबर होता, इसलिए चारों बराबर होता, चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। अब आप बताओगे भुजा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो ध्यान में रखना है, ध्यान में तो रखना है, स्क्वायर, भुजा को हम लोग कहते साइड। हाँ जी,
साइड कहते हैं, जिसको हम लोग अभी डिनोट करेंगे ए से, समझ रहे हो? ठीक है जी। अब चारों भुजा है हम लोग का, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग यहाँ आयत में इस दोनों का मल्टीप्लाई करते थे तो क्षेत्रफल निकलता था, सेम वही कंडीशन यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लोग का निकल जाएगा ए स्क्वायर। हाँ जी, अब ए का वैल्यू पता चलेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मन खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ देखना है आपको मेरा प्यारा सा क्वेश्चन, देखो और मज़े करो, क्या करो, मज़े करो। क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान, अरे अच्छे से लिख, जिसकी, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक लीजिए जी, आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, मैंने बहुत स्पीड से मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। हाँ जी, अब क्वेश्चन को बड़े बारीकी ढंग से देखना है आपको, एक आयताकार मैदान है, चलिए एक आयताकार मैदान हम लोग लिख लेते हैं। देखो जब भी बनाना फिगर, इस साइड आपको हर क्वेश्चन का फिगर बनाना, एक आयताकार मैदान ले लिए हम लोग, आयताकार ही है ना, लगता है टीवी मैंने बना दिया, हम लोग टीवी देखेंगे, चलो जी हम लोग एक आयताकार मैदान ले लिए जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। भैया सिर घूमत है, का कह रहे हो, यहाँ लंबाई 15 मीटर चौड़ाई 10 मीटर। देखो जितना बारीकी से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतने बारीकी से आप सॉल्यूशन कर पाओगे, इसलिए ध्यान मत भटकाओ, ठीक है जी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, और इस मैदान के अंदर 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क बनवाना है। अब 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क बनवाना है तो बनाते हैं, वर्गाकार बना ना, अरे वर्गाकार है, चारों भुजा बराबर है, ऐसा मत समझना कि भैया ये क्या आपने तो आयत बना दिया, अरे वर्गाकार है, समझना है ठीक, ज़्यादा नहीं सोचना, हमको क्या करना, पार्क रहित मतलब पार्क को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, ये हमारा पार्क है, ये अंदर में पार्क बन गया, इस पार्क को छोड़कर इसका क्षेत्रफल निकालना है। भैया ये क्या कह दिया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ, हटाइए, छोड़ छोड़ के घर चल जाओ, अरे यहाँ ध्यान दो, छोड़ के घर नहीं जाना। हाँ हम लोग एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, जल्दी से बनाओ, बना लोगे ना, हाँ बन जाएगा। तो करना क्या क्या है, मैं सिर्फ अब हिंट्स दूंगा, अब मैं बनाऊंगा नहीं, समझ रहे हो ना, मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक याद रखना। अब देखो कैसे बनेगा, आपको पहले लिखना है दिया हुआ क्या है, तो गिवन डेट हमको दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ क्या है, आयताकार मैदान में इसका नामांकन कर लो, नामांकन करके तब लिखो अच्छा रहेगा, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, हो गया। अब आयताकार मैदान में क्या दिया हुआ, आयताकार मैदान मैदान में या के लिए जो लिखना, हमको लंबाई दिया हुआ और क्या दिया हुआ 15 मीटर, चौड़ाई क्या दिया हुआ है, अच्छे से लिख, 10 मीटर, अगेन आयताकार मैदान हो गया। अब पार्क जो कि वर्गाकार है, वर्गाकार पार्क के लिए, वर्गाकार पार्क में हमको भुजा क्या दिया हुआ, हमको भुजा दिया हुआ है 8 मीटर, हाँ भैया 8 मीटर दिया हुआ, हाँ जी 8 मीटर दिया हुआ। अब आपको क्या करना, आपको जो है निकालना है पार्क रहित मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखो अब पार्क रहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पार्क रहित मैदान का क्षेत्रफल मतलब ये नहीं चाहिए, पूरे मैदान में पार्क को छोड़कर ये सब निकालना है, यहाँ पर लिख सकते पार्क को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए बी सी डी मैदान का क्षेत्रफल, डायरेक्ट आप लिख दो ना,
एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी उतना भाषा लिखूंगा ना, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब इसको आप एरिया निकाल सकते, इसका भी एरिया निकाल सकते। ए बी सी डी क्या है, आयताकार है तो 15 और 10 का मल्टीप्लाई, और पी क्यू आर एस वर्गाकार है तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई, घटा देना, निकल गया। हाँ जी, अब आपके सामने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको बनाना है जी। हाँ जी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, आपको घबराना नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन मैं दे दूँ, आज मैं आपको पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन दूँगा, और 7 में देखता हूँ आपका कितना मार्क्स आता। देखो, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक बार सब का सब आपने सही बनाया है कोचिंग में रह करके, वरना घर से आप देख के भी आ सकते हो ना। अगेन आज भी आपको पूरे के पूरे बनाने हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये सब सीखोगे, बेसिक स्ट्रांग होगा, तभी हम जाएंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 पर। हाँ, ये तभी जल्दी से जल्दी होगा जब आप जल्दी से जल्दी सारे के सारे एक्यूरेट बना करके मुझे दिखाओगे। अब मैं क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता, फिर मैं आपको समझा करके आपको होमवर्क दे दूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेना आपका। हाँ जी, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जी, आप तब तक एक सॉन्ग गाओ। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, विक्की भैया मेरे जल्दी क्वेश्चन लिखिए। हाँ, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। चलिए जी, आपका क्वेश्चन रेडी है, अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है आपको, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके। समझो, एक आयताकार मैदान है, हम एक आयताकार मैदान बना लिए, और आपको चित्र भी बनाना है, किस साइड, अपने दाएं साइड, ठीक। एक आयताकार मैदान बनाए, ठीक है जी। इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है इस मैदान का, आपको एरिया दिया हुआ है 160 मीटर स्क्वायर। उस मैदान की चौड़ाई 10 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करना, करोगे ज्ञात, हाँ जी। एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 7 मीटर है, एक वर्गाकार, चारों भुजा बराबर है, हाँ जी, चारों भुजा बराबर, कितना मीटर है, 7 मीटर, 7 मीटर भुजा ले लिए। अगेन चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा एक सड़क बनवाना है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, और इधर भी 2 मीटर, और इधर भी 2 मीटर, इस तरह आपको एक सड़क का निर्माण करना, ठीक है जी। सड़क का निर्माण कर दिए, तब जा करके सड़क सहित उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सड़क को लगा करके पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। हाँ भैया, कितना भारी भारी है, बस 1, 2, 3, जिसमें से 2 नंबर और 3 नंबर ही आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हलवा है। क्या है, हलवा, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है जी। अगेन क्या कह रहा, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 9 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, हाँ जी, 9 मीटर और 4 मीटर। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाना है, ठीक है जी। अब बताना है इस वर्ग का भुजा क्या होगा, हाँ जी, क्या होगा भुजा। चलो जी, थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो देना पड़ेगा ना, आखिर वैल्यू भी तो रखना है क्लास 10th के लेवल का। लेकिन हाँ, अगर आपने क्लास 9 ठीक से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो सकता, जो मैंने पहले बोला था ना गाना गाने, तब उसी को गुनगुनाना तब करोगे क्या। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना। यहाँ पर आयत की लंबाई दी हुई है 8 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर, और हमको जो है आयत और वर्ग सब का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देना। भैया कैसे बनेगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये इतना हलवा हलवा है, ये पूछोगे आप, शर्म नहीं आती। अगेन एक मैंने आपके साथ थोड़ा सा छल कर लिया, वो क्या, मैंने आपको बोला भैया सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल का दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आयत का भी डाल दिया, मतलब आयत का परिमिति भी डाल दिया है। यहाँ पर आयत की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और परिमिति निकालना, हम जानते हैं परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, हाँ भैया पता है। अब भी कोई दिक्कत, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, पुट करोगे और परिमिति निकालोगे,
सातों के सातों, सात क्वेश्चन की नौ क्वेश्चन, अरे यहाँ सात क्वेश्चन है, यहाँ नौ कहाँ से आ गया। हाँ, सातों के सातों क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और यहाँ पर मुझे ये देखना 7/7, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। चलिए आप स्टार्ट कीजिए एक बार जोरदार हरि का नाम लेकर के। चलो जी, चलो इसको कंप्लीट करो, फिर से मिलते हैं अगले 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 वीडियो।